हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन चेक्ड एंड शो हाइड ड्यू कंटेंट। अब हमारे पास देखिए एक फॉर्म है, फॉर्म देखिए यहाँ पे एक यूजर नेम है और यहाँ पे शो डिटेल का एक टाइटल है। अब इस टाइटल के नीचे दो हमारे इनपुट हैं रेडियो बटन। अब क्या करना है, जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तो नो वाले पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड हो के आए, और जब हम यस पे क्लिक करें तो एक हमारा ड्यू ओपन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंपोनेंट पे। ये देखिए हमारा डिफ़ॉल्ट हाइड शो कंपोनेंट हमारा, और यहाँ पे यूजर नेम है, और शो डिटेल में यहाँ पे दो इनपुट रेडियो बटन है, और यहाँ पे हमारा सबमिट बटन है, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैंने कॉन्स्टेंट लिया शो हाइड, और इसको मैंने सेट किया शो हाइड यूज स्टेट, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम वैल्यू रखेंगे नो। आप फॉल्स भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नो रख दिया। तो चलते हैं हम रेडियो बटन के इनपुट पे। ये देखिए यहाँ पे इसका नेम लिया मैंने यूजर डिटेल, और वैल्यू यस, और यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडल शो। ये हो गया हमारा यस बटन के लिए, और चलते हैं हम नो वाले पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे नो, जो कि हमने स्टेट में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है कि मैं स्टेट कॉन्स्टेंट में स्टेट में मैंने डिफाइन कर दिया, बाय डिफॉल्ट नो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इसको नो मिलेगी, और यूजर नेम दोनों का सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक्ड लगाएंगे। तो आइए देखिए हम यहाँ पे चेक्ड कैसे लगाएंगे, ताकि हमारा रेडियो बटन जब कंपोनेंट रेंडर हो तो वहाँ पे चेक्ड होके आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चेक्ड इक्वल टू ये जो मैंने यहाँ पे स्टेट लिया है शो हाइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चेक्ड में हम इसको चेक करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे नो होना चाहिए। अगर नो होगा तो ये हमारा यहाँ पे चेक्ड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कंपोनेंट पे चलते हैं, और यहाँ पे ये देखिए जो हमने ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया है, इसको मुझे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पे कॉन्स्ट गेट शो का मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ई पास करेंगे, और यहाँ से हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सेट शो हाइड में इसको हम सेट करेंगे। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पास कर दिया। चलते हैं कंपोनेंट पे, इसको मैंने देखिए रिफ्रेश किया, ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो पे चेक्ड होके आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जब हम यस पे क्लिक करें तो हमारा यहाँ पे एक ड्यू ओपन हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। तो अब मैंने इस वैल्यू को मैं देखना चाहता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। ये देखिए मैं यहाँ पे कॉल करके देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये देखिए यूजर नेम से पहले यहाँ पे नो, जो यहाँ पे नो मिल रहा है, जो कि इस रेडियो की जो वैल्यू है। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जब हम क्लिक करेंगे तो इस स्टेट की वैल्यू यहाँ पे यस हो जाएगी। अब इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे ड्यू को ओपन करेंगे। चलते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल वी यस हो, तब हमारा यहाँ पे जो है कि ये ड्यू ओपन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक अभी एक ऐसे ही ड्यू ले रहा हूँ, तो देखते हैं। ड्यू प्लस होल MD 12, इसको मैंने बंद किया, और यहाँ पे एक मैंने P टैग ले लिया,
सो यूजर डिटेल। तो देखते हैं, चलते हैं कंपोनेंट पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब हम क्या करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने यस पे क्लिक किया तो ये हमारा ड्यू जो है कि यहाँ पे ओपन हो गया। अब इस ड्यू के अंदर या इनपुट एरिया ले लीजिए या कोई टेक्स्ट ले लीजिए, हम एक इनपुट ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ड्यू को कॉपी किया, मैंने इतना कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए। और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे यूजर नेम में एड्रेस। तो आइए देखते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए बाय डिफॉल्ट नो पे है। और जब मैं यस पे क्लिक करूँगा तो देखो एड्रेस आ गया, अगर नो पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो गया। तो हमें इस वीडियो में हमें यही दिखाना था। तो ये देखिए यूजर नेम से पहले यहाँ पे वैल्यू देखो यस मिल गई, जब हमने यस पे क्लिक किया, नो पे किया तो यहाँ पे वैल्यू देखो नो आ गई। तो कहने का मतलब हमारा स्टेट जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है, उस वैल्यू से हम जो है कि यहाँ पे मैंने जो है कि ड्यू को ओपन किया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।